हेलो फ्रेंड, टेक फॉर फन यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऐप के बारे में। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक अकाउंट की आवश्यकता होती है जो कि आपको प्लेटफॉर्म प्रदान करे जिसमें आप बाई या सेल कर सकते हो। उसमें सबसे बेस्ट जो ऐप आ जाता है वो है बाइनेंस। बाइनेंस का अगर आप रैंकिंग देखते हो तो वो नंबर वन में है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो आप इसको ट्रस्ट कर सकते हो। आप इसके वॉल्यूम वगैरह भी देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो ऐप है इसको आप मोबाइल के एंड्रॉयड में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो या फिर एप्पल में भी ये मौजूद है। आप इसके वॉल्यूम और विजिटर से आप पता लगा सकते हो कि ये नंबर वन ऐप क्यों है। इसके 9 out of 10, मतलब ये कितना अच्छा स्कोर अभी तक मेंटेन कर रहा है। तो चलिए, अब इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और इसमें KYC के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए आप तो ऐसे गूगल में भी इसको कर सकते हो, लेकिन मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप इधर उधर से डाउनलोड करो तो हो सकता है कि आप कोई फ्रॉड ऐप भी डाउनलोड कर लो और अपना KYC गलत ऐप में कर दो, क्योंकि बाइनेंस के बहुत सारे फर्जी ऐप भी प्ले स्टोर में मौजूद हैं। तो चलिए, मैं आपको यहाँ लिंक दे दूँगा, आप चाहे तो लिंक से कर लीजिए या फिर आप प्ले स्टोर से भी सर्च करके अपना KYC पूरा कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि बाइनेंस में आप अपना अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। तो बाइनेंस में आपको अकाउंट ओपन करने के लिए आपको फुल्ली डिजिटल आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड या फिर अपना एक एड्रेस रख लीजिए जो आपको यहाँ पर आवश्यकता होगा। करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ उस लिंक से फॉलो करके भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अपना लिंक ओपन कर लिया हूँ और सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड चूज करने का ऑप्शन दिया जा रहा है और यहाँ पे आपको रिफर आईडी कोड भी ऑप्शनल है। अगर आपको किसी ने रिफ़र किया है तो यहाँ पे रिफर आईडी शो करेगा। अगर आप हमारे लिंक से यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो ये आपको हमारा आईडी यहाँ पे शो करेगा। आपको यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस मांगा जा रहा है, उसके साथ आपको एक पासवर्ड स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना है जो कि आपको रिमेंबर में रहे या फिर आप उसको पेन या कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर रेफर कोड, अगर आपको कोई रेफर किया तो ये रेफर कोड यहाँ से होता है, उसको यहाँ पे सेम टू सेम रहने दीजिए क्योंकि रेफर कोड से किसी और को थोड़ा बहुत का बेनिफिट हो जाता है। सही से ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इंटर करने के बाद आप यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करिएगा तो आपको स्लाइड टू कम्प्लीट पजल का ऑप्शन देगा ताकि आप इसमें रोबोट ना हो, आपको वो सिक्योरिटी वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, इसको आप वेरीफाई कर दीजिए। इस तरह से वेरीफाई करने के बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे एक OTP सेंड कर दिया जाता है। वो OTP आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए और इंटर करने के बाद ईमेल एड्रेस वेरीफाई होने के बाद आप यहाँ पे अपना KYC कंप्लीट कर सकते हो। KYC कंप्लीट करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बाइनेंस का ऐप डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से, क्योंकि अगर आप वेबसाइट से करते हो तो थोड़ा फ़ोटो वगैरह क्लिक करने में, आपका फेशियल रिकॉग्नाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। इसीलिए आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अपना KYC कंप्लीट आसानी से कर सकते हैं। ऐप यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉल चुका है और मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करता हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद देखिए ब्लैक कलर का इंटरफेस आ गया और येलो कलर का बाइनेंस लिखा हुआ आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। तो ये ओपन होने के बाद आपका जो इंडिया का कोड है, कंट्री कोड ऑटोमेटिक ले लेता है IP एड्रेस से, ये आपको चूज करने की आवश्यकता है नहीं। उसके बाद आप जो ईमेल एड्रेस से वहाँ रजिस्टर किए थे उसी ईमेल एड्रेस से रजिस्टर करिए, पासवर्ड डाल के लॉगिन बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो आपको सिक्योरिटी वेरीफिकेशन के लिए कहा जा रहा है। ये सिक्योरिटी वेरीफिकेशन कम्प्लीट करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। उस OTP को यहाँ पे इंटर करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। मैं चाहूँ तो यहीं से भी ट्रेडिंग कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हमारे अभी लॉक है, तो इसको सारे फीचर्स को अनलॉक करने के लिए हमें अपने प्रोफाइल में जाके अपने अकाउंट का KYC को कम्प्लीट करना होगा। तो हमारे प्रोफाइल में देखिए यहाँ पर दिखा रहा है अनवेरीफाई, इसको हम वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे तो जैसे हम वेरीफाई बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें दो वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाता है, एक वेरीफाई और एक वेरीफाई प्लस। तो वेरीफाई में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है आप यहाँ पर देख लीजिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपको नाम और डेट ऑफ बर्थ जैसे वगैरह कुछ पूछे जाते हैं वो आपको सही से इंटर करना है। उसके बाद आपको एक गवर्नमेंट ID का फोटो अपलोड करना होता है और लास्ट में फेशियल रिकॉग्नाइजेशन अगर आप कर देते हैं तो आपका
ये केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, तो फीचर्स आपको यहाँ दिया गया है, देखिए डॉलर में 50K तक का डिपॉजिट और विड्रॉल लिमिट आपको यहाँ डेली का मिल जाता है, और P2P ट्रांजेक्शन में आपको अनलिमिटेड P2P ट्रांजेक्शन मिल जाता है, क्रिप्टो लिमिट विड्रॉल जो आप कर सकते हो, क्रिप्टो लिमिट जो आप विड्रॉल कर सकते हो 100 BTC का डेली कर सकते हो। अदर फीचर्स में आपको बाइनेंस कार्ड वगैरह मिल जाता है। वही आप वेरीफाई प्लस अकाउंट में जाते हो तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, ओनली एड्रेस प्रूफ। आप एड्रेस प्रूफ देते हो तो आपको फिर से जो होता है ये डॉलर में 200K तक का विड्रो और डिपॉजिट लिमिट आपका इंक्रीज हो जाता है 50K से। यहाँ पे सेम बाकी सब फीचर सारे सेम है, P2P और विड्रोल लिमिट 100 BTC बाकी सारे सेम है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं दिखा रहा है क्योंकि आप जब तक वेरीफाई नहीं करोगे तब तक आपको वेरीफाई प्लस का ऑप्शन नहीं आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में गवर्नमेंट ID यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको सही से फ़ोटो खींचना है, आपको दिखा रहा है कि किस टाइप का फ़ोटो खींचना है, आपको क्रॉप नहीं करना है, ब्लर नहीं करना है, आपको सही सही यहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड करना है। तो देखिए मैंने यहाँ कैमरा ऑन कर दिया है, और कैमरा ऑन करने के बाद मैं फ़ोटो सही से क्लिक कर लेता हूँ। फ्रंट और बैक का फ़ोटो खींचने के बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देता हूँ। कंट्री बटन क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर टेक्स सेल्फी का ऑप्शन दे रहा है। सेल्फी क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंट्री बटन पे दोबारा क्लिक कर देता हूँ। फेशियल वेरिफिकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप कैप ना लगाएं और आप गूगल्स का इस्तेमाल ना करें, आप यहाँ पे कोई फिल्टर का यूज ना करें, और लाइट आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो चलिए हम बिगिंस वेरिफिकेशन में क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारा फेशियल वेरिफिकेशन भी यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। जैसे मेरा अकाउंट है वेरीफाई हो चुका है, ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के लिए 1 से 2 आवर का समय लगता है, उसके बाद हमारा अकाउंट वेरीफाई शो होने लगेगा। देखिए अगर मैं अभी अपना प्रोफाइल में जाता हूँ तो मेरे प्रोफाइल में जो पहले यहाँ पे अनवेरीफाई का ऑप्शन आ रहा था ईमेल एड्रेस के बगल में, यहाँ पे अंडर रिव्यू का ऑप्शन दिया जा रहा है। ये रिव्यू 1 या 2 घंटे में कंप्लीट हो जाता है और अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम अपना अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं और हम अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बाइनेंस में मनी कैसे ऐड करते हैं, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, बाई और सेल लिमिट कैसे लगाते हैं, ये सारे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो उम्मीद है फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।